अरे भाई ये क्या था भाई साहब, देखा आपने? हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, चलो घर जाओ अपने। स्प्लेंडर वाले भैया बिल्कुल रेस मोड पे हैं, मैं 90 चल रहा हूँ भाई। दो लड़के बैठे। कल रात को मैं उदयपुर आया और उसके बाद मैं इतना थका था कि सोचो उदयपुर जैसा शहर भी मैंने घूमा नहीं, हाथ ही मैं सो गया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू आर डूइंग फिटली फाइन। तो भाई आज अपना आखिरी स्ट्रेच जो रह गया उदयपुर से दिल्ली वो पूरा करते हैं। सामान सारा पैक कर लिया है, बस कपड़े जो पहनने थे वो रह गए। नीचे बाइक बिल्कुल लोडेड है, सामान मैंने कुछ निकाला नहीं था। तो जल्दी से रेडी होते हैं, टाइम हो गया 5:47। प्लान है कि 6 बजे तक निकल जाएंगे और शाम को 4-5 बजे तक गुड़गांव पहुँच जाएंगे। जल्दी से रेडी होते हैं, आपसे नीचे बाइक पर मिलते हैं। बाइक अपनी वार्म अप हो रही है। ये होटल यार सही है, फीनिक्स करके है, और मतलब पार्किंग वार्किंग काफ़ी अच्छी है। आपको गाड़ी या बाइक लगानी है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन भी अच्छी है, तो जल्दी से चलते हैं। आप इतने कपड़े पहन लिए कि अंदर गर्मी लगने लग गई, भी जैसे ही बाहर निकलेंगे तुरंत सर्दी लगने लगेगी। चलो भाई जय बजरंगबली। सर्दी तो है भाई, अभी अंधेरा है, पूरा उदयपुर शहर बंद है बिल्कुल। हम लोग बस निकल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, पूरा अंधेरा सा फैल रखा है शहर में, पता नहीं क्यों। यहाँ ठंडी है तावर थोड़ी, ठंडी तो मैं मिस करने लग गया था गोवा में। ठंडियों में तो बाइक चलाने के मजे हैं यार। वो ब्रिज इज लुकिंग ब्यूटीफुल। मॉल्स वगैरह काफ़ी बड़े बड़े खुल गए हैं उदयपुर में, देख रहा हूँ। एनीवे सिटी क्रॉस करते हैं। ठंड तो बहुत ही बढ़िया हो रखी, मतलब जिसको बोलते हैं अच्छी वाली ठंड। हल्की हल्की सुबह हो रही है, उधर से कहीं से राइट से सनराइज होगा मेरे हिसाब से। हवा यार बहुत ही तेज चल रही है, अच्छी खासी ठंड है भाई, अच्छी खासी जिसको बोलते हैं। ये लो जी यहाँ से मार दिया राइट और अब आपको दिखाते हैं बढ़िया से नज़ारे। गजब रोड है, देख रहे हो सामने कैसी लाली आ गई है। सनराइज बस होने ही वाला है, और इतनी ठंडी है कि मेरे को ना जुकाम सा हो गया। भीलवाड़ा इज 96, अजमेर इज 227। तो देखो भीलवाड़ा पहुंचते ही फिर हमारा वही रास्ता हो जाएगा जिससे हम आए थे। एंड लुक एट द सनराइज, सूरज आने से पहले जो पूरा रेड रेड सा हो जाता है ना, वैसा हो रखा है। ओ क्या बात है यार, क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई, बेहतरीन। सामने से मैंने यहाँ से एकदम से मैंने कहा सनराइज होने वाला है, मैंने कहा ये फुटेज तो आपको दिखाना पड़ता है, बहुत ही प्यारा। अब यहाँ से चलते हैं, मजा आ गया देख के। जैकेट टायर को यही है रास्ता जयपुर? नहीं जैकेट टायर, जेके टायर। हाँ जी, कोई शोरूम है क्या आगे जेके टायर का? फैक्ट्री है। फैक्ट्री? हाँ। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आप में एक मिनट रुकना। आप ना थोड़ा गलत आ गए हो सर, आप ये आगे जाओ जहाँ पे रोड मिले, ये एक और रोड दिख रही है आपको ये वाली। हाँ। तो आप उल्टा आना है आपको इसी रास्ते। ठंड लेकिन यार बहुत है। चलो यहाँ से उड़ाते हैं अपना ड्रोन। ऐसे सनराइज कभी कभी देखने को मिलते हैं, मतलब आपको भी दिखाते हैं।
वाव मैन, वाव जिसको बोलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इससे अच्छा सीन नहीं देखा मैंने कभी। बेहतरीन सनराइज, बेहतरीन। ये क्या था भाई साहब, देखा आपने, मैं इतनी तेज स्पीड में था, सामने से मेरी हार्ट बीट स्किप हो गई, इतना बड़ा ट्रैक्टर सा पता नहीं क्या चला रहा था। अरे लोग खतरनाक हैं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतनी अच्छी रोड पे आदमी तेज स्पीड से आ रहा हो, इसीलिए इंडियन रोड्स पे ना स्लो चलना चाहिए, है ना। बात बिल्कुल सही है, हम लोग रूल तोड़ देते हैं, लेकिन रूल तोड़ना नहीं चाहिए। रोड कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग तो वही है ना, तो आराम से चलोगे तो ज़्यादा ज़िंदगी जीने के चांसेस हैं। बड़े यार, ऐसा दिन हो, ऐसा सनराइज हो और ऐसी रोड हो तो स्लो चलने में भी मज़ा नहीं आता है ना, थोड़ा रिस्क तो लेना बनता ही है। चलो अभी आराम आराम से ही चलेंगे, कहीं रुक के बढ़िया सी चाय पियेंगे, इससे ज़्यादा अच्छी दिन की शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकते आप। मतलब और रोड पर गाय माता घूम रही है, अरे भाई क्या हो रहा है आज, अरे माता उधर चली जाओ थोड़ा। अच्छा माता नहीं, ये तो बैल साहब है। यार राजस्थान अब मेरे को पूरा अच्छे से घूमना है भाई, रोडें हो तो राजस्थान जैसी हो, नहीं तो ना हो। सही, भाई क्या बात है, मजे चलते रहने चाहिए, मजे कम नहीं होने चाहिए। और आज की जर्नी के लिए तो बोलना पड़ेगा भाई, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। टाइम हो गया है सुबह का, कितना बजा है, कोई 7 बजने वाला होगा, अच्छा 8 बजने वाला है, 7:49। बहुत ही मजेदार रोड है यार, अच्छा हुआ मैं कल उदयपुर रुक गया, अदरवाइज मैं ये व्यू आज जो है एंजॉय नहीं कर पाता। एनीवेज अब बाइक चलाते हैं, भगाते हैं, रोड बहुत ही अच्छी, राजस्थान यार घूमने वाली जगह, आप लोगों का मन हो मस्त घूम जाओ, बढ़िया मजे आते हैं। पेट्रोल 2 रह गया, पेट्रोल भी भराते हैं कहीं पे। इतने अच्छे रास्ते में यार मैं ऐसा खो गया, अभी मेरी नज़र पड़ी तो 99 किलोमीटर पूरे भी हो गए यार, 100 किलोमीटर पूरे हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला कब निकल गया। बीच में मैं रुकता रहा, फोटोज देता रहा, ड्रोन उड़ाता रहा, मस्त, मतलब सब मैंने पूरे फन कर लिए 2 में, और स्टिल मैंने 100 किलोमीटर भी पूरे कर लिए। ये होता है राइडिंग का मज़ा, मतलब एक बार जब आप खो जाते हो ना तो आपको यही नहीं पता चलता कितने किलोमीटर आप कवर कर चुके हो। 100 किलोमीटर कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं होता, मतलब बहुतों के लिए 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। यार ये पता नहीं क्या दिख रहा है साइड में, पूरा पानी का कोई बॉडी है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं क्या है, किसी को पता हो तो बताना। उदयपुर से अराउंड 124 किलोमीटर आगे, ऐसा लग रहा है कोई लेक वेक है, ये उसका किनारा है, बड़ा सही लग रहा है देखने में। मैप में देखो क्या है, हाँ कोई वाटर बॉडी दिख रही है, काफ़ी बड़ा है यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कई बार दिख जाती हैं, पता ही नहीं चलता रोड किनारे। यार कहीं रुक के चाय वाय पी ली जाए क्या, अभी नहीं, भी थोड़ा और चलाता है, पेट्रोल सिर्फ 1 रह गया। खुशी खुशी भी यही नहीं पता चला कि तेल ही खत्म हो गया ससुर। और बड़ी बड़ी टंकियाँ होनी चाहिए यार बाइक में, 25 30 ऐसी होनी चाहिए, तब मज़े आते हैं बाइक, चले जाओ चलाते चले जाओ। ठंड में राइड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप थकते नहीं हो, एग्जॉस्ट नहीं होते हो जल्दी। गर्मियों में क्या होता है ना, पसीने जब निकलने लगते हैं ना आपकी बॉडी से, तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी किसी को गर्मियों में भी मज़ा आता होगा। ठंड को आप कंट्रोल कर सकते हो ना, कपड़े खूब सारे पहन लो, हालांकि आज वो भी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि मेरे को ठंड लगे ही जा रही है। हट जाओ, चलो घर जाओ अपने, यहाँ नहीं खेलते रोड पे, रिस्की है। ओए पेट्रोल पंप तो दिख गया मेरे को, पहला काम पेट्रोल यहीं भरा लेते हैं, आगे का इंतज़ार नहीं करते। इंडियन ऑयल एंड SR दो अलग अलग हैं यार, मैंने सुना SR वालों का महंगा रहता है, तो अपन इंडियन ऑयल में डलाएंगे। भर दो भैया, फुल कर दो।
बहुत महंगा तेल है भाई राजस्थान में। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं पिछली बार जो है जब आ रहा था तो उस तरफ से आते हुए मैं यहाँ से निकल गया था चित्तौड़गढ़ होते हुए। ओ वाह यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे क्या बात है। तो अपन उधर चित्तौड़गढ़ निकल गए थे, अपन ने पूरा सर्किल पूरा कर लिया, एक तरफ से गए एक तरफ से आए मस्त सा। दिल्ली 519 जयपुर 254। तो भैया 254 किलोमीटर रास्ता और अच्छा है, उसके बाद रास्ता जो है घटियम घट्टा हो जाएगा और उसके बाद हम क्या ही करेंगे। तो एंट्री कहाँ से मारे हाईवे पे, बाकी तो सब ठीक है। कब तक मैं सर्विस लेन पे चलाता रहूँगा, इसको याद नहीं रहा। यहाँ कोई भी आ जाता है भाई राजस्थान में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। सर्विस लेन से ही जाता रहूँगा क्या मैं? तो भाई चौधरी होटल में कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट यार, है ना, सही रहेगा। 215 किलोमीटर बाइक चला दी नॉन स्टॉप, थक गए यार। धूप निकल आई, ठंड थोड़ी सी तो कम हुई बट ज़्यादा नहीं। अभी हम रुके चौधरी होटल में, यहाँ हमने ऑर्डर कर दी इनकी स्पेशल दाल बाटी चूरमा। बाइक में जैकेट वैकेट सब सेट कर दिया, मैंने जैकेट उतार दिए, जैसे रुकते हैं तो ठंड कम हो जाती है थोड़ी सी। चल के खाते हैं यहाँ पर, ये देखो अपनी बहुत ही टेस्टी दाल बाटी आज की यार, ये मैं पहली बार खाऊंगा यार, कभी खाई नहीं मैंने यार। सही चीज़ यार, मज़े आ गए खा के, बहुत ही टेस्टी है यार ये। ग्लव्स चेंज कर लिए मैंने, समर ग्लव्स पहन लिए। काफ़ी मज़े आए, राजस्थानी दाल बाटी का कोई जवाब नहीं। चूरमा तो नहीं खाया, चूरमा तो मीठा होता है। बाकी अभी के टाइम के हिसाब से 4:50 पे अपन पहुंच जाएंगे गुड़गांव, और कोशिश करेंगे कि 4:50 पे पहुंच ही जाए यार। ऐसे तो बहुत कम लगता है, मतलब पिछले इस ट्रिप में इतना लंबी लंबी डिस्टेंसेज मैंने करी हैं कि ये 650 किलोमीटर कम नहीं होता है, लेकिन कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा वो होगा। मेरे को लग रहा बड़े आराम से कर ले जाऊँगा मैं। अच्छा आपको वो दिन याद है जब आपने पहली बार जिंदगी में पहाड़ देखे थे? मतलब जिसने देखे हैं, नहीं देखे थे कोई बात नहीं, जिसने देखे उसको याद है जब पहली बार आपने पहाड़ देखे थे तो आपको कैसा लगा था मतलब देख के? मैंने जब पहली बार पहाड़ देखे थे यार, मैं मतलब बहुत चक्का रह गया था। छोटा था मैं, 7-8 साल का था, 9 साल का जब मैंने पहली बार पहाड़ देखे थे, वो मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार, अलग ही, मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ज़मीन के ऊपर कुछ इतना बड़ा बड़ा हो सकता है। मेरे आगे जो कार जा रही है उसमें एक छोटा बच्चा बैठा है, पिछले 2 घंटे से वो मुंडी पीछे करके मेरे को ही देख रहा है जो है, मेरे लग रहा है ज़्यादा इंस्पायर हो गया वो बच्चा, बड़ा हो गया ना ब्लॉगर ही बनेगा, मोटो ब्लॉगर। बता देते कि नहीं बच्चे ब्लॉगर मत बनना, कुछ और बन जाना बहुत मेहनत का काम है। अभी अपन एक ढाबे में रुक के मस्त सी चाय पी रहे हैं। ओह ब्रेक ले, थोड़ा बढ़िया लग रहा है, मस्त तो सर बाइक अपनी ये खड़ी, हर कोई आगे देखता। अभी जो एक आंटी आई थी, मैं सोचा उनका चाय फुटेज बनाऊँ, वो देख रही थी बाइक, पूरा मस्त बहुत बढ़िया बाइक है भैया अगर थैंक यू। चलो अब चलते हैं, अभी भी गुड़गांव है 5:19, 324 किलोमीटर पहुँच गए हम लोग जयपुर। मतलब जयपुर का आउटर स्टार्ट हो गया है, मेन सिटी तो अभी 20 किलोमीटर दूर है। बगरू बोलते हैं इसको, बगरू जयपुर से जुड़ा हुआ ये थोड़ा पहले है जयपुर से, काफ़ी टाइम से चलते हुए। सोलो में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है, आप जो है अकेले चलते चले जाते हो, मन होता है रुकने का तो भी आप बोलते हो थोड़ा और चला देते, आप रुकते ही नहीं हो। तो भाई हमारी राइड का सबसे आखिरी फ्यूल टॉप अप आ गया, यहाँ पेट्रोल भराएंगे उसके बाद सीधे गुड़गांव पहुँचे। नहीं है पेट्रोल रखते ही नहीं हो, अरे साला ये कैसे पेट्रोल पंप, नाम पेट्रोल पंप पेट्रोल ही नहीं, इसका नाम बदल के डीजल पंप कर देना और ऐसा नहीं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल रखते ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ सारे नोजल्स में सिर्फ डीजल ही मिल रहा है। ओ भाई तुम्हारा तो बंद होने वाला है थोड़े दिनों में, हाँ 6 के 6 नोजल्स में डीजल ही है, और तुम्हारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा जब डीजल गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाएंगी। तो आगरा 247 न्यू दिल्ली 274, आगरा जाना हो आगरा निकल जाओ, न्यू दिल्ली निकलना है तो न्यू दिल्ली निकल जाओ। तो अपन को तो भैया न्यू दिल्ली निकलना है यार, फ्यूल नहीं मिल रहा कहीं पर। अभी कपड़े उतारे, लाइट वाली जैकेट पहनी मैंने, बहुत गर्मी है यार यहाँ, 24 डिग्री टेम्परेचर है। मैं तैयारी कर रखी थी 5 डिग्री वाली, पूरे पसीनों में नहा गया मैं इतनी देर में। सुबह उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और यहाँ एकदम से अचानक से उतनी गर्मी है। बहुत दिनों बाद आज HR26 कोई गाड़ी दिखी गुड़गांव की 9 दिन से भाई साहब MH GJ KRJ MP बस यही देख रहे थे,
बड़ा अच्छा सा लगा देख के कि भाई दिल्ली की गुड़गांव की गाड़ियां दिख रही हैं, मतलब अपने इलाके के आसपास आ गए हैं अब हम लोग। 190 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी रह गई है गुड़गांव के लिए, मेरे घर के लिए एक्चुअली, गुड़गांव की थोड़ी इधर उधर होगी। ओ भाई देख रहे हो स्प्लेंडर वाले भैया बिल्कुल रेस मोड पे हैं, मैं 90 चल रहा हूँ भाई, दो लड़के बैठे हैं बिना हेलमेट के 90 पे मेरे को ओवरटेक करके चले गए। क्या बात है भैया, क्या बात है। ओ मैन सही में सीरियसली भाई ने पूरी जान ले रखी स्प्लेंडर की। अच्छा देखते हैं कितनी स्पीड पे मैं ओवरटेक कर पाता हूँ। 91 ओ भाई सल्यूट है। अब स्लो करी भाई ने, थक गया फुल स्पीड पे चला चला के बिना हेलमेट के। भाई लोग बड़े निडर है, मैंने एक चीज देखा, हम लोग थोड़ी देर के लिए जैकेट और ग्लव्स उतार देते हैं तो लगता है कि और पता नहीं कुछ हो ना जाए, दिक्कत ना हो जाए। यहाँ भाई देखो 90 की स्पीड में बिना किसी उसके मस्त चला रहा, बिना किसी राइडिंग गियर, तो टी शर्ट और पैंट पहन रखा है बस। बेहतरीन, इंडिया की जनता का जवाब नहीं है, मोबाइल पे खरीदते ही 1000 रुपये का कवर और 500 रुपये का ये वो लगवा लोगे, लेकिन जब अपनी सेफ्टी की बारी आई तो भैया अपने सर की वैल्यू नहीं है अपने खोपड़ी की, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन की बहुत वैल्यू है। हमें उनकी टैगलाइन देखो, चक्कर जाना ओल्ड राव का खाना, चूक ना जाना किंग किंग का खाना, और एक है स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना। ये देखो स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, ओल्ड राव वाले बोल रहे हैं चक्कर खाना ओल्ड राव। अबे चक्के क्यों जाएंगे, पेल के पूरा खा के जाएंगे। गजब यार, मस्त मस्त टैगलाइन है सबकी। ये देखो आ गया हाईवे किंग, चूक ना जाना किंग का खाना, ये सही है यार। इस रोड पे बहुत अच्छे अच्छे ढाबाज भरे पड़े जिसको बोलते हैं। हमको खाना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए। अब पता नहीं इन ढाबों में कितनी भीड़ होती है यार, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यार वहाँ नहीं लगाऊंगा मैं, सामान है ना थोड़ा, इधर किधर लगवा दो यार। हैं ऐसा ना करो यार मलिक, जो बात सुनाता उससे बात कराओ मेरी। तो ये गाड़ी रुक नहीं जाएगी? अच्छा बस ये तो बहुत ही बढ़िया है, अपनी बाइक ज़्यादा दूर नहीं लगाते अपने आप से। क्या मंगाया जाए बताओ आप लोग, क्या मंगाया जाए खाने में? साउथ इंडियन मंगा ले, पूरा खाना तो खाएंगे नहीं, साउथ इंडियन लो, अपना फेमस मसाला डोसा कर दिया मैंने। ज़्यादा खा लेंगे तो नींद बहुत तेज आएगी फिर, इसलिए कम खाएंगे। कहाँ कहाँ पे है ये देख रहे हो, यहाँ पे है वेकिंग कट 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 कट, तो हम लास्ट वाले में रुके हैं, जब वापस आ रहे हैं बेहतरीन मसाला डोसा अपना आता हुआ और अब इसको जल्दी से खाते हुए। एक ब्रेक के बाद ऐसा भगाने का मन होता है ना बाइक को। फिर स्लो कर लेते हैं थोड़ी देर बाद, या सही से चल लो। एक साइड में उछल कूद क्यों मचा रहे हो, छोटी बच्ची हो क्या? ओ यार आखिरी पैर, 1 घंटा 50 मिनट हो रहे, 2 घंटा लगने वाला ससुरा। 6 बजे पहुंचने वाले हैं हम लोग ससुरा, अभी टाइम घटाते हैं। कल यार ऑफिस जाना ये सोच सोच के ना मेरा दिल बैठा जा रहा है। इतने दिनों से मस्ती चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ 54 किलोमीटर रह गया है गुड़गांव। नई एनर्जी आ गई अपन गुड़गांव पहुंचने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा यार, ये मज़े आए यार पूरा टाइम। इस बार सोलो राइड थी लेकिन पता नहीं चला, आप लोगों से बातें करते करते टाइम पूरा अच्छे से कट गया। कुछ अच्छा दिखता था तो तुरंत आपको दिखाना होता था, कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा आपको दिखाएं। ब्लॉगिंग ना कर रहा होता तो शायद मैं सोलो जाता भी नहीं, बोर हो जाता यार मैं अकेले। ऐसे है कि कम से कम कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ दिखाने को रहता है, तो आदमी का थोड़ा वो होता रहता है, टाइम पास होता रहता है। लास्ट 50 किलोमीटर्स आर लेफ्ट, तो भाई महाराष्ट्र गोवा राइड का आखिरी टोल आ गया, और ये भी हमें देना नहीं है, ये अपना मानेसर गुड़गांव का टोल है। फाइनली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, समझते हो आप,
जैसा मैंने प्लान किया था ना इस राइड को, उससे ज़्यादा अच्छे से करके आया हूँ। अरे यार, और ये करते करते मैं आ गया गाड़ी वाली लेन में, अपने को जाना है बाइक वाली लेन में। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी रही इस चीज़ की, जो सोच के आए थे वो हमने कर दिया, फाइनली अपना टास्क पूरा कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, मतलब पूरी कोशिश करी मैंने एक गो में ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और आप लोगों का भी ये डर कम हुआ होगा कि लंबी राइड्स पे जाया जा सकता है, सोलो जाया जा सकता है थोड़ी प्लानिंग के साथ। ये मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, एक एक करके जितने भी मतलब आपकी लाइफ में भी होंगे टारगेट्स, कुछ एम होंगे, कुछ ख्वाहिशें होंगी कि पूरी करनी है, तो भाई कोई समय सही समय नहीं होता और हर समय सही समय होता है, तो बस स्टार्ट करते जाओ धीरे धीरे, सीधी सी बात है, जो कभी पूरा नहीं हो पाता। टोटल जो राइड रही वो रही 4054.1 किलोमीटर्स की, बहुत ही बढ़िया। और टोटल जो मेरे को माइलेज मिला वो मिला 28.8, बढ़िया है कंसीडरिंग इतना लोड लेके गया था और काफ़ी तेज़ चलाई मैंने हाईवे पे, 4054 किलोमीटर यार बड़ी बात है। लद्दाख से ज़्यादा कराया मैं, ये अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप है, इतनी लंबी ट्रिप मैंने आज तक नहीं लगाई थी। भैया आप उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये जो हमारी महाराष्ट्र और गोवा की जो सीरीज़ थी वो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दिस इज दीप रंजन सचान साइनिंग ऑफ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।